मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में बाढ़ के कारण भगवान महाकाल के भक्तों के बीच चिंता बढ़ गई है कि भादो माह के पहले सोमवार को महाकाल की पालकी का पूजन कैसे होगा। रामघाट पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है, जिससे पूजा स्थल के संबंध में अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। आज जन्माष्टमी और भादो मास के पहले सोमवार को भगवान महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। इस स्थिति में सवारी के शिप्रा तट पर पूजन को लेकर विचार चल रहा है। रामघाट के पंडित जगदीश गुरु के अनुसार उज्जैन और इंदौर में हो रही भारी वर्षा के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर घटने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आती। इस परिस्थिति में भादो मास के पहले सोमवार को सवारी का पूजन रामघाट के पहले ही किया जा सकता है। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के मुताबिक सवारी का पूजन कहां किया जाएगा, इसका निर्णय दोपहर 2 बजे तक ले लिया गया। जिला प्रशासन और महाकालेश्वर मंदिर समिति ने 2 बजे तक बाढ़ के पानी के घटने का इंतजार किया। सावन और भादो मास में भगवान महाकाल की सवारी परंपरागत मार्ग से होते हुए रामघाट तक पहुंचती है, जहां शिप्रा के जल से भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया जाता है। इसके बाद सवारी गोपाल मंदिर होते हुए महाकालेश्वर मंदिर पहुंचती है। जब शिप्रा नदी में बाढ़ आती है तो सवारी को किनारे पर पूजा दर्शन कर वापस मंदिर के लिए रवाना किया जाता है। यह पहली बार है जब बाढ़ के कारण रामघाट पर सवारी के पूजन की संभावनाओं को लेकर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है।